नमस्कार, मैं गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लोक नीति। मध्य प्रदेश में अक्सर कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी हमले तेज रहते हैं। इसी बीच अब कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के सामने पोस्टर लगे हैं। इस पोस्टर में कमलनाथ को भगवान श्री कृष्ण का दर्जा दिया गया है, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान को कंस मामा बताया गया है और मध्य प्रदेश की जनता को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी गई है। पोस्टर में जहां एक तरफ कमलनाथ को श्री कृष्ण और दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान को कंस मामा बताते हुए एक यह बात लिखी गई है कि जनता मांगे घोषणा वीर मामा से मुक्ति, यानी सीधे तौर पर घोषणा वीर मामा शिवराज सिंह चौहान को कहा गया है। पोस्टर में जनता की प्रमुख मांगों का उल्लेख किया गया है। इसमें ओबीसी को 27% आरक्षण, सामान्य को 10% आरक्षण, 27 लाख से अधिक किसानों का कर्जा माफ, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली, वृद्धावस्था पेंशन 300 से 600 रुपए, विवाह सहायता ₹51,000, 1,000 गौशाला का निर्माण, राम वन गमन धरा के लिए 22 करोड़, माफियाओं एवं महिलाओं के अत्याचारों में कमलनाथ सरकार की जनहितैषी कार्रवाई का जिक्र किया गया है और इसे कमलनाथ का छिंदवाड़ा मॉडल बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर के नीचे लिखा है, शिवराज कहने को कुछ और दिखाने को कुछ है। चयनित शिक्षक बहनें राखियां बांधने आई थी पर बदले में उन्हें लाठियां मिली। इसके साथ ही महिला छेड़छाड़, बेरोजगारी इत्यादि की बातें भी पोस्टर में लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले ये पोस्टर देखिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अक्सर कर ऐसे पोस्टर चस्पा होते रहते हैं। इससे पूर्व में बीजेपी कार्यालय के सामने सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के गुमशुदगी के पोस्टर लगे थे और यह बात कही गई थी कि यह पोस्टर कांग्रेस ने लगाई है। अब एक बार फिर से कांग्रेस ने जन्माष्टमी की कुछ इस तरह से बधाई जनता को दी है। अभी चुनाव से पहले ऐसे कई पोस्टर वॉर मध्य प्रदेश की राजनैतिक गलियारों में होने हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही, देखते रहिए द लोक नीति।